मेरे पास कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है आपको सुनाने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपकी जर्नी में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था? नहीं, चैलेंजिंग तो था। अब देखो, साइंटिस्ट बनना था लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, दैट वॉज चैलेंजिंग। पहला जॉब 10 बजे तक रात तक करता था और उसके बाद आकर एग्जाम की तैयारी करता था, दैट वॉज चैलेंजिंग। इवन साइंटिस्ट बनने के बाद भी मैंने कई सारे फेलियर्स देखे, ये भी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग तो जब इतने सारे चैलेंजेस, तो सिंपल आपका स्ट्रगल चल रहा था, राइट? नहीं, स्ट्रगल नहीं, हैसल चल रहा था। स्ट्रगल, हैसल। स्ट्रगल और हसल के बीच फर्क क्या है? फर्क नजरिए का है, नजरिए का क्या है। देखो, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, सबने कहा कि रास्ता बहुत चैलेंजिंग है, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। तो रास्ता बहुत मुश्किल है, ये स्ट्रगल स्टोरी है। लेकिन मैंने जब कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड, दैट इज ए हसल स्टोरी। सबने कहा कि डर जाओगे, गिव अप कर दोगे, तो मैंने कहा गिव अप करने के पहले आई विल गिव इट माय ऑल। तो वो स्ट्रगल स्टोरी था। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं सब कुछ अपना दे दूंगा जीतने के लिए, वो हसल स्टोरी है ना। और कई लोगों ने हमसे कहा कि देश बड़ा है, बड़े देश में रियलिस्टिक सपने देखो। तो हमने कहा कि बड़े देश में ही बड़े सपने देखे जाते हैं, ये हसल स्टोरी है। तो हसल स्टोरी और स्ट्रगल स्टोरी में अंतर है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको अपना करियर चुनना है और उसमें चैलेंज फेस करना है, तो चैलेंज को गले लगाओ। और कोई जब पूछे कि तुम्हारा स्ट्रगल स्टोरी क्या है, तो तुम क्या कहोगे? मेरा स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, मेरा हसल चल रहा है।